लाइफ से मुझे बहुत कुछ चाहिए था और गोवा की लाइफ तो बहुत स्लो है। वो स्लो आराम से वाली जिंदगी तो मुझे चाहिए नहीं थी। मैं बहुत क्रिकेट खेलता था पर वो क्रिकेट में कभी स्केल नहीं कर पाया। फिर लॉ की पढ़ाई कर दी मैंने, फिर लॉ प्रैक्टिस चालू की पर उसमें भी मुझे बहुत मजा नहीं आ रहा था। मैंने पहले हमारे फैमिली बिजनेस जो होटल्स का है उसमें ज्वाइन किया, 6 महीने में वो छोड़ दिया एंड देन आई स्टार्टेड माय ओन वेंचर्स। पर लाइफ में मुझे वो किक नहीं मिल रहा था। मेरे दिमाग में हमेशा ये एक कॉन्सेप्ट था कि मुझे कुछ एक प्रोडक्ट बनाना है जो होगा मेड इन गोवा या मेड इन इंडिया और जाएगा पूरी दुनिया में। पर वो क्या है, क्या प्रोडक्ट है, कौन सी चीज़ है, ये मुझे मालूम नहीं था और उसकी खोज में तो मैं हमेशा रहता था। तो एक दिन ऐसा हुआ था कि मैं एक फार्म में था, चल रहा था बहुत सारे पेड़ों के बीच और तब मेरी नजर उस पे पड़ी। तब मैंने देखा कि वो ही है, मिला मुझे माय मैच मेड इन हेवन जैकफ्रूट। मैं उसके अंदर और गहराई से जाने लगा। तब मुझे पता चला कि ये जैकफ्रूट नहीं, ये एक जैकपॉट है और इससे ढेर सारी चीजें बनाई जा सकती हैं। पैसा इज वेरी इंपॉर्टेंट पर उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है शार्क्स। एंड आई रियली रियली होप कि एक नहीं तो दो नहीं तो सारे शार्क्स को मैं पसंद आऊं, हमारा बिजनेस आइडिया पसंद आए और वो हमारे साथ इन्वेस्ट करने के लिए तैयार हो। नमस्ते शार्क्स, मैं हूं साईराज धोंड और मैं गोवा से हूं एंड आई एम द फाउंडर एंड सीईओ ऑफ वकाव फूड्स। यू वुड नो कि एक एप्पल ने कैसे न्यूटन की जिंदगी बदल दी और दुनिया को मिला द थियरी ऑफ ग्रेविटेशन। बट व्हाट यू वुडंट नो इज एक जैकफ्रूट माने कटहल ने कैसे मेरी जिंदगी बदल दी और मैंने दुनिया को गिफ्ट किया टेस्ट बर्ड्स का एक यूनिक सेंसेशन। मैंने सोचा कि यार साईराज, लॉ तो हर कोई करता है, तुम दुनिया को द सुपर फूड ऑफ द वर्ल्ड जैकफ्रूट का टेस्ट चखाओ, जबकि 79 मिलियन पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड हो चुकी है वेजिटेरियन और वीगन, तो उनके तड़पते टेस्ट बर्ड्स को सेटिस्फाई करने का क्यों नहीं है कोई टेस्टी रीजन। घर हो या रेस्टोरेंट, पार्टी हो या डेट, आज तक उनका मेनू क्यों नहीं हुआ है अपडेट। उनको एक हेल्दी लाइफ जीने का क्यों नहीं कोई इंसेंटिव। क्यों आज तक किसी ने उनको नहीं दिया रेडी टू कुक 100% नेचुरल मॉक मीट विद 0% प्रिजर्वेटिव। वकाओ, वेज को मिलेगा वेज का स्वाद, नॉन वेज को मिलेगा नॉन वेज का फील और वीगन्स को मिलेंगे ढेर सारे रेसिपीज बनाने का अनकाउंटेबल रीजन। नाइस। एंड यस, 12 महीनों के शेल्फ लाइफ के साथ वकाओ फूड्स डजंट रिक्वायर एनी काइंड ऑफ रेफ्रिजरेशन। अच्छा। ख्वाहिशें तो हजारों है पर मंजिल सिर्फ एक, and that is to take jackfruit right from our backyard to the world. So sharks, invest karo mere company mein 75 lakhs aur badle mein 5% equity pao aur duniya ke har ghar mein le jao. Say it with me. Wakao! Wakao! Okay, Sairaj, ye kaun sa movie hai batao? हम किसी से कम नहीं। Very good, very good, full marks, full marks. पर आप रोहित शेट्टी जैसे दिखते हैं। Do people tell you that? Someone just yesterday told me on set. बहुत बढ़िया प्रेजेंटेशन, धमाकेदार। Thank you so much. पर आपने बोला आप लॉयर थे और फिर क्रिमिनल लॉयर था। क्रिमिनल लॉयर। एक साल के लिए मैंने क्रिमिनल लॉ सुबह 8 बजे से रात के 10 बजे तक किया और फिर हो गया पकाओ। मैं सोचा ये तो मैं जिंदगी भर नहीं करूंगा। तो मतलब आपको जज पैनल के सामने प्रेजेंटेशन देना आता है? हाँ। अब उन्होंने सोचा शार्क टैंक को फंसाओ। बिल्कुल नहीं, अभी सोचा शार्क टैंक को साथ में ले जाओ। क्या बात है, थैंक यू। मेरे को यहाँ पे बहुत इंटरेस्टिंग खाना दिख रहा है। Absolutely. क्या हमें खाने को मिलेगा? चखेंगे पहला। बिल्कुल चखेंगे। बिल्कुल। So give me a minute. देखी और पूछ पूछ मेरे भाई। Wow. Can I give the ladies first? Yeah, sure. ऐसा मत करो, यहाँ पर मार खाओगे, ऐसा फेमिनिस्ट है। ये बोलते हैं इक्वालिटी इक्वालिटी। नहीं, हम खाने को मना नहीं करते। Entrepreneur तो impressive है। बहुत। इसके सामने मत बोल यार, भाव बढ़ जाएगा।
थोड़ा सताओ करने दो उसको पहले। तो दिस इज अ वकाओ बर्गर, स्लाइडर जैसा है। दिस इज अ स्वीट डिश, ये ब्लास्ट खाइए। ये है एक टार्ट, ये है एक गलौटी और खारी, ये है कबाब, सीख कबाब, और ये है कटहल बिरयानी। जो नॉन वेजिटेरियन है वो बताए कि ये नॉन वेज जैसा टेस्ट कर रहा है या नहीं? काफी टेस्टी है। आई डोंट थिंक ये मीट के आसपास आते हैं, थोड़ा मेरा फर्क है गजल के असेसमेंट से। वो थोड़ा सॉस के कारण शायद, जिसका कॉम्बिनेशन बनाया आपने वो स्लाइडर का, उसका एक टिपिकल टेस्ट होता है विद द सॉसेस एंड थिंग्स लाइक दैट, उसके कारण आ रहा है। आपके पैटिस को जब मैंने अलग से खाया तब वो साफ पता चलता है इट इज नथिंग टू डू विद मीट। मैंने एक कटहल बेस्ड मॉक मीट का खाया है कीमा, तो उसके कंपैरिजन में बहुत अच्छा है। मेरे को नहीं लगता था कभी भी कटहल इतना स्वाद लग सकता है। जहां तक मेरी समझ है, मीट सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट्स जनरली ट्राई टू प्रोवाइड अ सिमिलर न्यूट्रिशनल वैल्यू, है ना? तो लोग चाहते हैं वीगन लाइफस्टाइल अडॉप्ट करें, लेकिन प्रोटीन इंटेक पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहते। तो आप जरा समझा पाएंगे कि ये जैकफ्रूट प्रोडक्ट में प्रोटीन इंटेक और फूड कॉम्पोजिशन क्या है? 100 ग्राम्स के हिसाब से वी हैव अराउंड 0.8 टू 1 ग्राम ऑफ, सो नेग्लिजिबल। नेग्लिजिबल, इट्स नॉट हार्ड टू डू, क्योंकि मैं फार्मास्यूटिकल कंपनी में मैं बहुत प्रोटीन बेचती हूँ, प्रोटीन पाउडर, प्रोटीन शेक्स, तो प्रोटीन ऐड करना इज नॉट दैट डिफिकल्ट। Beyond Meat करके एक ब्रांड है ग्लोबली, बहुत बड़ा ब्रांड है। बिल्कुल। तो इसमें और उसमें क्या डिफरेंस है? प्रोडक्ट एक बिल्कुल अलग है। हम कटल है, हम जैकफ्रूट है। जैकफ्रूट जो आप बड़ा वाला जैकफ्रूट देखते हैं जो स्वीट होता है वो 4.5-5 महीने का होता है। हम जो जैकफ्रूट काटते हैं वो 2 महीने का होता है। अच्छा। इट्स कॉल्ड अ टेंडर जैकफ्रूट। टेंडर। उसका ना कोई टेस्ट होता है और उसका ना कोई स्मेल होता है। इंटरेस्टिंग। वो बहुत ही टेस्ट न्यूट्रल होता है। तो ये इसको अगर आप पैरेलल करोगे सो नॉन वेजिटेरियन, तो वो एक बासा फिश जैसा होता है जिसका कोई टेस्ट नहीं होता, बट इट टेक्स द फ्लेवर ऑफ व्हाट वाज स्पाइस यू पुट इन। राइट। तो जैसे मैंने मेरे पिच में कहा, वेज को मिलेगा वेजिटेरियन का स्वाद, नॉन वेज को मिलेगा नॉन वेज का फील। अभी वो फील क्यों? क्योंकि ये फाइब्रस है और ये नेचुरली फाइब्रस है। मेरे को इसको कुछ करना नहीं पड़ रहा है टू मेक इट फाइब्रस। आप मेरे को एक ये बॉक्स दिखाएंगे प्लीज? श्योर श्योर। Attractive packaging. Thank you. Thank you. आपका जो गोल है वो है जैकफ्रूट बेचना। कंज्यूमर जो ये खा रहा है वो क्यों खाएगा ये? उसका कोई ऐसे प्यार तो नहीं है जैकफ्रूट से? आइडिया आया भी वहां से ही कि जैकफ्रूट एक बहुत ही इग्नोर्ड फ्रूट है। मुझे तो लगता है ऑलमोस्ट 80% ऑफ इंडिया हैज ईटन जैकफ्रूट। माय ग्रैंडमॉम ऑलवेज यूज्ड टू फीड अस दिस थिंग और उसको बोलती थी वो चिकनाची भाजी, मतलब चिकन की भाजी। तो मेरे दिमाग में आके अननोइंगली हम खाते ही है ये मॉक मीट से, तो घंटी बजी। अगर किसी ने जैकफ्रूट काट के पकाया हो आपको पता चलेगा कि वो एक ट्रिमेंडसली एक्सक्रूशिएटिंगली पेनफुल प्रोसेस है। 2 घंटे जाते हैं पूरा साफ करने में। इट्स अ वेरी स्टिकी फ्रूट। इट इज। तो हमने आपको रेडी टू कुक प्रोवाइड किया, खोलो डालो खाओ। हमारा 0 प्रिजर्वेटिव्स, 100% नेचुरल है और टेस्ट भी है। कैलोरीज वाइज वेरी लाइट ऑन कैलोरीज। ये 350 का जो बेचते हैं बनाने में कितना लगता है आपको? 130 रुपीस के आसपास। 60% मार्जिन अराउंड। लेस 50% 50%। ओके। नेट रेवेन्यू पे होता है ना मार्जिन। तो कितने साल से कर रहे हैं आप ये? 10 महीने हो गए सेल्स। 10 महीने और सेल्स क्या है? सेल्स ऑन इन आवर 10th मंथ वी आर closing to 60 lakhs of rupees. 60 lakhs wow. in one month or in 10 no, months? 10 months. पैसा तो आपके पास है, आप Shark Tank में क्यों आए हैं? इंडिया में दो चीजें बहुत स्ट्रांग है, एक तो अपना D2C. D2C is something which we don't have great expertise in. And I know कि ये मुझे बढ़ाना है क्योंकि ये मार्केट है। दूसरा है हरेका। हरेका इंडिया में तड़प रहा था जैकफ्रूट के लिए। मैं आपको बोल रहा हूँ, we have tie-ups आज पैन इंडिया, हिल्टन, आईबीज, ओबरॉयस एक्सेलेंसी किचन, उन्होंने हमारा अप्रूव किया है। तो बहुत सारे इन्वेस्टर्स अप्रोच करते हैं पर शार्क्स नहीं थे। हाँ जी। तो आई एम वेरी क्लियर अबाउट, मेरा फंडा बहुत क्लियर है। मेरे को 100 करोड़ तक अभी जल्दी से लेके जाने वाला कोई चाहिए। सो आई हैव ग्रोन अप इन ट्रेडिशनल बिजनेसेस। अगर मैं खुद पे चल के जाऊंगा तो 10 साल लगेंगे मुझे 50 करोड़ तक पहुंचने को, जो मुझे कॉन्फिडेंट है पहुंचूंगा मैं। और एक दिन मैं 100 भी बनाऊंगा और 1000 भी बनाऊंगा, पर मैं बूढ़ा हो जाऊंगा, बच्चे फल खाएंगे, बच्चे जैकफ्रूट खाएंगे। मुझे एक्सप्लोसिव बिजनेस करना है, मुझे डिसरप्ट करना है मार्केट, एंड आई वॉन्ट पार्टनर्स हु कैन हेल्प मी डिसरप्ट द मार्केट। मुझे चाहिए शार्क।
I had a couple of quick questions. Yes. Globally, jackfruit का क्या perception है? बहुत अच्छा perception है. एक company है, jackfruit company. वो अमेरिका में है. उसका स्टोरी ये है कि वो केरला आई और जैकफ्रूट डे का और ऐसा ड्रामा. तो मैं बोल रहा यार हम बैठ रहे इधर जैकफ्रूट पे, सोना इधर है और हम 75% ऑफ जैकफ्रूट इज वेस्टेड इन इंडिया. 1.4 मिलियन टन्स ऑफ जैकफ्रूट इज ग्रोन एवरी ईयर इन 16 स्टेट्स एंड 75% इज वेस्टेड. लाइक क्या चल रहा है, कुछ तो करना है. तो एम एक ही है, जैकफ्रूट को हर जगह लेके जाओ. अच्छा. और वकाउ हैज टू बिकम सिनोनिमस विद जैकफ्रूट. डू मी अ फेवर, डिस्क्राइब योरसेल्फ in one sentence for me. Explorer. Nice, one word. Mere Twitter handle pe jaoge, the first word is explorer. Ghazal, are you interested? Don't stop. Just give us a minute. You can continue. Horeca jo hai na, ye bahut dangerous industry hai mere bhai. Bach ke rehna. Jackfruit ke pyar mein aap jack of all, master of none mat ban jana. Ek focus karke ek direction chuniye. मैं आपके साथ आज नहीं जुड़ पाऊंगा. आई एम सॉरी बट आई एम आउट. थैंक यू. आई थिंक वी हैव अ डील हियर. 75 लाख्स फॉर यू एट 30%. सो साईराज एंड मैं आपको ये भी बोलना चाहूंगी कि हम आपका होरेका बिजनेस और एक्सपोर्ट को वैल्यू नहीं करते हैं, बिकॉज आपका जो होरेका बिजनेस है एक्विजिशन के लिए ठीक है, अवेयरनेस बिल्ड करने के लिए ठीक है, D2C ब्रांड बनाना है. और गजल और मैंने और नमिता ने भी बहुत ब्रांड्स बिल्ड किए हैं अपने करियर में. उसके लिए आपको दो चीज़ें, एक तो टीम अच्छी चाहिए और दूसरा आपका मार्जिन बढ़ाना पड़ेगा, बिकॉज अगर आपको मार्केटिंग में इन्वेस्ट करना है तो ये आपको 90 रुपीज़ में बनाना पड़ेगा. सायराज मैं काफ़ी कहता हूँ यहाँ पर, ये तीन माँ हैं, शुगर मामा है ना, फार्मा वहाँ बैठी हुई है और ये तो है ही मामा अर्थ. So you are getting three mothers for the price of one. Power of three moms. माँ का आशीर्वाद, माँ का support सबसे बड़ा. अच्छा सायराज आप बताइए. मेरे माँ के वजह से today I'm standing here. So I have. अरे very good. I don't have anything to say on that. But मम्मी मत बुलाना हमें. मेरे को नहीं लगता कि आपको 30% dilute करना चाहिए अभी. Right, because this business needs capital. पैसा चाहिएगा इस बिजनेस में. बहुत पैसा चाहिएगा आपको बाद में. मैं आपको 15 लाख रुपए दूंगा एज इक्विटी, 5% स्टेक लूंगा और बाकी 60 लाख रुपए मैं आपको डेट दे दूंगा 12% रेट ऑफ इंटरेस्ट. साईराज, 3 sharks versus 1. एक ऑप्शन और है मेरे पास, उसी में मैं 25 लाख रुपए भी इन्वेस्ट कर सकता हूँ 10% इक्विटी के लिए और 50 लाख रुपए डेट दे सकता हूँ. मतलब पूरा रेट कार्ड और मेन्यू लेके आ रहा हूँ. बिल्कुल. सोच के डिसीजन सुनाइएगा. आप एक मिनट लेना चाहेंगे? या आई विल जस्ट थिंक. श्योर श्योर. I'm even willing to go solo at 20. I think 20 is a good value. He has to be ready for 20. 30 to nahi, mere hisab se, if he gives away 30, he'll be foolish. Welcome back. Please consider कीजिए जो मैं कह रहा हूँ. मैं सोच रहा हूँ कि 30% तो too much हो जाएगा. वो तो नहीं कर सकते यार. कैसे करेंगे हम? We won't be able to grow that fast. Yep. थोड़ा रखेंगे, दोनों साथ में ऊपर आएंगे और धमाल करेंगे. That is the idea. तो मेरा ऑफर वो हिसाब से. क्या है ऑफर? 15% आप 75 लाख ले लो. I want all three of you. And I'm honest about it. और जब से वो माँ वाला एंगल आया तो थोड़ा वो भी होता. पर you can thank me for that. तो मैं तो बाहर हो जाता हूँ I think. नहीं सर, आपका ऑफर ठीक है पर there are three of them sir. मैं आपको अकेले ये ऑफर दूंगा तो आप अभी हाँ बोलेंगे? मुझे कुछ छिपाना नहीं है. क्या कॉन्फिडेंस है.
देखिए मेरा चेक मेरे हाथ में, लिखूं कि नहीं लिखूं? I'll close it. नहीं, I'll close it. Let's at 21%. Let's do one last. Just hear me out. बोलो. हाँ जी. Just hear me out. 1 crore at 20%. That's not bad. आपको क्या मिलेगा ये सब एक्विटी देके इतना पैसे? You wanna talk? आपने भी फर्स्ट राउंड में 40% डाइल्यूट किया था ना? हाँ, पर मैंने फर्स्ट राउंड में 28 करोड़ रेज किया था 40% के लिए. That's the difference. 28 करोड़ में बिजनेस को एक सर्टेन स्केल पे ले जा सकते हैं. और उनका टाइम भी अलग था भाई. एक्विटी व्हेन यू आर बिल्डिंग अ कंपनी इज द मोस्ट प्रेशियस थिंग. हमने बहुत गलतियां की है और आज तक उसका प्राइस भर रहे हैं. आप वो गलतियां मत करो. मेरा थ्रेशोल्ड जो था, मतलब वो ब्रीच हो रहा है, तो मैं इस डील से बाहर हूं. पर आप ये दोनों, आपको एक ऑफर देना और चाहिए. हम दोनों आपको 75 पे 20% देंगे. उससे कम हम कर ही नहीं सकते गिवन योर रेवेन्यू. पर आप क्यों चली गई? वही डील जो था. So 75 लाख 21% अभी भी है. You guys will promise me we'll go to around 150 crores very soon. Of course. Deal पक्की है. Congratulations. Trust me, my friend, you won't regret it. Thank you. तीन माँएं आपके साथ हैं. You've heard this saying, famous last words. Trust me. इतु चुबे तू तू कर out है. तू क्यों 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 बोले जा रहा है? So let's do it. Awesome. Oh wow, the three women members. Thank you. I love your product. Good entrepreneur. Thank you. There you go. Congratulations. So listen, we have to do the wakao. We have to do the wakao. The music, the music. Music, right. The music. Wakao! Wakao! Congratulations. Thank you so much. Congratulations. Oh, yes. Congratulations. Wow, we made it happen. Let me just do this one. Thank you. Awesome. I love his energy. We're going to have so much Listen. Fun working with him.